अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म फ्राम आज़म ट्रेडर्स। ये दोस्तों हमारे पास एक साइबर पावर का यूपीएस आया है, इसका चार्जिंग का इशू आ रहा है। चलता ठीक है, चार्जिंग में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों ये शुरू करते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब हम इसको ऑन करेंगे। अब इसको हम बैक सप्लाई लगाएंगे आउटपुट। ये हमारा यूपीएस का कनेक्शन, ये बल्ब यूपीएस में, यूपीएस ओके। ये देखें, यहाँ से हम बटन बंद करेंगे, यूपीएस बंद हो गया, बल्ब बंद हो चुका। अब हम यहाँ से दोबारा ऑन करेंगे, यूपीएस ऑन हो चुका है। दोस्तों हमारी वीडियो फेक नहीं होती, 100% जो फॉल्ट होता है वही सामने करते हैं, इसमें कोई कट नहीं किया होता। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको इसकी जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। अब हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे, चार्जिंग पे भी जाएगा लेकिन एम्पेयर शो नहीं करेगा। ये हमारा एम्पेयर मीटर, ये स्विच का वाडा, और मीटर पे देखें ये एम्पेयर बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, पॉइंट कुछ शो कर रहा है। ये देखें फैन की स्पीड भी तेज़ हुई लेकिन चार्जिंग ज़ीरो। अब हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो आइए दोस्तों इसको ओपन करते हैं। इसके स्क्रू में खोल चुका हूँ, अब इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ये अपनी आसानी के लिए इसके जैक उतारेंगे। अब हम इसका बोर्ड बाहर निकाल लें, सबसे पहले चेक ये करना होता है कि इसको किसी ने कोई छेड़छाड़ तो नहीं की इसमें कोई। ये हम सारा बोर्ड चेक कर रहे हैं, ये देखें यहाँ से ये हीट है, ये चार्जिंग वाला हिस्सा इसका, ये सारा चार्जिंग सेक्शन है, इसको चेक करेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे आया ये रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये देखें मीटर पे देखें ज़ीरो शो कर रहा है,
से जीरो शुरू कर, दूसरी तरफ चेक करेंगे। ये वाला ये रेक्टिफायर, ये देखें जल के खराब हो चुके हैं, इसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद इसकी चार्जिंग चेक करेंगे। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, अब हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। ये मैं लगा चुका हूँ, ये इधर से प्रिंट इसका डैमेज हो चुका है, इसका नीचे प्रिंट नहीं होता, ऊपर वाली साइड पे होता है, वहाँ से हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पर हम अच्छी तरह भर के सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग एम्पेयर बनते हैं, यहाँ से ये फिर जलने का डर होता है। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह भर कर सोल्डरिंग कर दी है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे, आया हमारी चार्जिंग ओके हुई है कि नहीं। इसके अलावा हमारी ये वाली रेजिस्टेंस, ये भी चार्जिंग पे लगी है, और ये छोटे डायोड, ये भी चार्जिंग पे लगे, और ये पीएफ पेपर कैपेसिटर, ये वाला, ये भी चार्जिंग पे लगा हुआ। और ये पहले हम इसको चेक करेंगे हमारी चार्जिंग ओके हुई है कि नहीं। तो अब बोर्ड अंदर रख के मैं कनेक्शन कर चुका हूँ, जैक वगैरह सारे इसके लगा चुका हूँ, बैटरी की तारें लगाएंगे सबसे पहले, ऑन करेंगे। ये दोस्तों हमारा यूपीएस ऑन हो चुका है, अब हम इसको चार्जिंग पर लगाएंगे। ये इसका चार्जिंग वाला स्विच, अब हम इसके एम्पीयर चेक करेंगे। ये देखो हमारा यूपीएस ओके, चार्जिंग बन चुकी है, अब ये बेहतरीन चार्जिंग कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफ़िज़।